नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा आशा पारेख का है। जब धर्मेंद्र की एक्ट्रेस आशा पारेख से सेट पर लोग पूछने लगे कि शराब पीकर आई हो क्या, धर्मेंद्र की हेमा मालिनी के बाद अगर किसी के साथ जोड़ी जमती थी, पसंद आती थी, तो वो थी आशा पारेख। आशा पारेख संग धर्मेंद्र ने कई फिल्में की। धर्मेंद्र ने एक बार खुलासा भी किया था कि वो सेट पर कई बार बियर पीकर भी चले जाते थे, लेकिन उनकी एक्ट्रेस आशा से जब ये सवाल किया गया तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता था कि धर्मेंद्र ऐसा भी करते हैं। आशा ने अपने साथ का एक किस्सा कपिल शर्मा के शो में शेयर किया था। जब लोग उनसे पूछने लगे थे कि क्या आप भी शराब पीती हैं, आशा पारेख ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया था और बाद में कलर्ड फिल्मों का दौर आया। रंगीन फिल्मों में काम करने के अपने अनुभव के बारे में आशा पारेख बता रही थी और आशा ने बताया कि भले ही देखने वालों को कलर फिल्में बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में करना ही पसंद करती थीं। आशा का कहना था कि कलर फिल्मों में लाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था और इससे कई बार उनकी स्किन तक जल जाती थी, आँखों पर लाइट्स इतनी पड़ने से बहुत तकलीफ होती थी, आँखों में जलन होती थी। आशा ने बताया कि आंखों पर लगातार लाइट्स पड़ने की वजह से उनकी आंखें लाल हो जाती थी और कई दिनों तक ये आंखें लाल रहती थी। आशा पारेख ने बताया कि उनकी लाल आंखें देखकर लोग सेट पर पूछने लगे थे कि शराब पीती हो क्या, जबकि ये सब कुछ लाइट्स का कमाल था। आशा ने बताया कि रंगीन फिल्मों के दौर में लाइट्स का इस्तेमाल इतना बढ़ा था कि इससे हमें बहुत परेशानी होती थी और बहुत गर्मी भी लगती थी। उस जमाने में स्टूडियो में एसी भी नहीं हुआ करते थे और ऐसे में एक्ट्रेसेस को ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि मेकअप और ड्रेस की वजह से उनको इन लाइट्स की गर्मी से काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन वो दौर ही ऐसा था, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से रंगीन फिल्मों की तरफ फिल्म इंडस्ट्री बढ़ रही थी। एसी नहीं हुआ करते थे, वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी और इस तरीके की दिक्कतों से हमारे कलाकार जूझा करते थे और इन्हीं में से निकली हैं एक आशा पारेख। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।